हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग रेलवे के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं, RRB NTPC ग्रुप डी एग्जाम डेट्स ऑफिशियल न्यूज के बारे में। हालांकि ग्रुप डी के विषय में न्यूज निकला है, वेतन आयोग के द्वारा डायरेक्टिव बोला गया कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे वैकेंसी जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है, और रेलवे की इसलिए उन्होंने आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पोस्ट की भर्ती कंप्लीट किया जाए। तो उसी के विषय में आज हम लोग को एक पूरे डिटेल्स में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें क्या क्या न्यूज निकला है, क्या क्या उन्होंने बोला है, तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ देखते हैं। तो इसमें बोला गया है, देखिए कि वेतन आयोग ग्रुप डी भर्ती की राह खोलने की तैयारी में। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में जहां बम्पर वेतन वृद्धि के आसार कम है, वही ग्रुप डी की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश में की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सरकारी नौकरियां में निचले स्तर के पदों में नई नियुक्तियों के दरवाजे खुलेंगे। छठे वेतन आयोग ने ग्रुप डी पदों को खत्म करने की सिफारिश की थी, जिसे मान लिया गया था। सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को 1-2 दिनों में सौंपने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वेतन आयोग को अपनी बैठकों के दौरान विभिन्न कर्मचारियों संगठनों से ग्रुप डी की भर्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आवेदन दिए थे। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार भी ग्रुप डी के पदों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ हैं। इससे सरकारी खर्च कम हुआ या नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में ग्रुप डी के पदों पर बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की गई है। इन्हें जिन एजेंसियों द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं, इन कर्मियों को विश्वसनीयता और सरकारी दस्तावेज की सुरक्षा से जुड़े मामले के बीच बीच में उठते रहे हैं। खबर यह भी है कि सरकार की इच्छा पर ही आयोग यह सिफारिश करने जा रहा है। तो 5 लाख पद की खाली पड़े पद है, इसमें दिया गया है कि और ग्रुप डी के लगभग 5 लाख सिर्फ ग्रुप डी के खाली पद पड़े हुए हैं। और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने की तैयारी पूरी हो चुकी है, और इससे ये पता चल रहा है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द से जल्द कराई जाएगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस तैयारी करते रहिए, और ग्रुप डी की तैयारी बहुत जल्द होगी, इसका टेंशन आप लोग ना लें, बस अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें, और ऐसे ही आपकी और भी सारी वैकेंसी जैसे कि NTPC है और JEE वगैरह जो आया था, वो सब क्लियर एक एक चीज़ होते रहेंगे। तो रेलवे बहुत एक्टिव है, रोज कुछ ना कुछ न्यूज डाल ही रही है। तो आप लोग टेंशन ना लें और विश्वास रखें, ऑफिशियली न्यूज बहुत ही जल्द आएगी एग्जाम से रिलेटेड। तो बस यही न्यूज थी आप लोग को बताना था, बस थैंक यू, धन्यवाद।